स्टोनेज वाले हक्का बक्का प्रेजेंटेज वाले हक्का बक्का से भी वर्स है। कम से कम वो लोग वायलेंट तो नहीं है। वो तो सिर्फ स्टूपिड है पर ये तो एक्चुअली आस्था। हाँ? देखो ये सब संगत का असर। देखो हमेशा गंभीर के साथ रहते हैं तो हो गई ना बुरी संगत। तो इसका मतलब है अगर वो गंभीर अंकल के साथ नहीं रहेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। हाँ इनफैक्ट हमें उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें गंभीर के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम उन्हें समझाएंगे कैसे? सचिन अब सबको समझता है और समझा भी सकता है ना। हक्का बक्का तुम दोनों अच्छे हो अच्छे लेकिन गंभीर गंभीर बहुत गंदा है। ओके हक्का बक्का अच्छे हक्का बक्का अच्छे हक्का बक्का अच्छा हक्का बक्का अच्छा हक्का बक्का अच्छा हक्का बक्का अच्छा। क्या है कपड़े हैं हमारे अच्छे लगे? सचिन ये क्या कह रहा है? लगता है इसे हमारे कपड़े बहुत पसंद आ गए हैं। सचिन अगर हमें इनसे दोस्ती करनी है ना तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें हम? तो क्या दे दो अपने कपड़े। आस्था तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हमारे कपड़े इसे हमें हमारे घर वापस जाना है ना। हाँ। अंत में आस्तरिया हमें रिमोट लेना ही होगा वरना वापस नहीं जा पाएंगे। हक्का देखो ये रिमोट वापस दो हमें पक्का रिमोट दो पक्का। ये तुम लोगों के किसी काम का नहीं है। हम इसे प्रेजेंट में जाएंगे प्लीज। अरे ये तो वापस दे ही नहीं रहा है अब क्या करेंगे? सचिन तुम आस्था से क्यों पूछो जाओ और छीनो उससे वरना हम यहाँ स्टोनेज में स्टोन बनकर रह जाएंगे। अच्छा एक काम करो तुम दोनों हक्का को पकड़ो। ओके हम पक्का से रिमोट लेते हैं। हाँ हक्का हक्का पक्का पक्का